हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल क्विक स्टडी में। मैं कमल बिष्ट। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपको यहाँ पर कराऊंगा फिजिक्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को। दोस्तों यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे लगातार चैप्टर वाइज। यहाँ पर हम आज बात करेंगे शुरुआत में, जो कि चैप्टर का नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, यानी कि मात्रक एवं मापन के जो क्वेश्चन आते हैं, बार बार पूछे जाते हैं, इनको हम लगातार तैयार करेंगे। इसके बाद आपको लगातार दोस्तों चैप्टर वाइज ही यहाँ क्वेश्चन देंगे, ताकि आप आराम से तैयारी कर पाएँ। तो बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, आराम से आप देखेंगे क्वेश्चनों को और साथ में इनको आप नोट करते रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिखता है, न्यूटन गुणा सेकंड इकाई है, यानी आपसे पूछा गया है न्यूटन गुणा सेकंड इज द यूनिट ऑफ। यहाँ पर देखिए दोस्तों, न्यूटन गुणा सेकंड, आप इसका पहले क्या कर लेंगे, आप इसको फॉर्मूले में कन्वर्ट कर लेंगे। इसके लिए आपको मालूम होगा न्यूटन जो यूनिट होती है, ऐसा यूनिट होती है फोर्स की, और वैसे ही जो सेकंड होती है ये टाइम की होती है। तो यहाँ देखिए, फोर्स इंटू टाइम आ रहा है आपका, यानी बल गुणा समय आ रहा है। तो बल गुणा समय क्या होता है दोस्तों, आपने देखा होगा इम्पल्स इक्वल टू, इम्पल्स यानी कि आवेग कहते हैं आप इसको, आवेग बराबर क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम, यानी कि आघूर्ण में जो परिवर्तन होता है इसी को आप इम्पल्स कहते हैं, और आप इसको कहते हैं फोर्स इंटू टाइम, और इसका मात्रक निकल गया था न्यूटन गुणा सेकंड। या फिर आप कह सकते हैं दोस्तों, न्यूटन का यदि आप कन्वर्ट कर लेंगे तो न्यूटन को आप करेंगे किलोग्राम गुणा मीटर का स्क्वायर बट्टे सेकंड का स्क्वायर गुणा सेकंड, और सेकंड से एक सेकंड कटेगा तो किलोग्राम गुणा मीटर का स्क्वायर बटे सेकंड। तो यहाँ पर दो प्रकार से आप इनको निकाल सकते हैं मात्रकों को। तो यहाँ पर जो आपको दिया है दोस्तों न्यूटन गुणा सेकंड, तो एक किसका हो जाएगा, ये मात्रक हो जाएगा मोमेंटम का, चेंज इन मोमेंटम का, क्योंकि यहाँ पर मोमेंटम ही दिया है आपको, तो ऑप्शन नंबर आप डी वाले में टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्न में कौन सही मात्रक नहीं दिखा रहा है, यानी आपसे पूछा गया है विच इज नॉट रिप्रेजेंटेड करेक्ट यूनिट। यहाँ पर आपको देखिए बार बार पूछा जाता है कि कौन सा वाला करेक्ट यूनिट को नहीं दिखा रहा, तो इसके लिए आपको मालूम होना चाहिए दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा यूनिटों का आपको आपको जानकारी होनी चाहिए, ताकि आप सही क्वेश्चन को यहाँ पर आंसर को तलाश कर सकें। तो यहाँ पर देखिए, पहला आपको दिया गया है, जो पहला ऑप्शन है आपको दिया है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। आप यदि हिंदी में कहें दोस्तों तो ये आपका होता है प्रतिबल बट्टा विकृति। अब यहाँ पे देखिए, आपको समझना होगा कि स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होती है। स्ट्रेस दोस्तों एक प्रकार से प्रेशर ही होता है, प्रेशर यानी कि दाब ही होता है, और दाब आपको मालूम है प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल होता है, यानी फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया होता है। यदि आप इसका मात्रक निकालेंगे, आपको मालूम है बल का मात्रक क्या होता है दोस्तों, एक तो न्यूटन होता है एसआई में, तो एसआई में आप देखेंगे तो न्यूटन होता है, तो न्यूटन हो जाएगा, और एरिया का होता है मीटर का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए, जो विकृति है दोस्तों, जो स्ट्रेन है, ये होती है चेंज इन लीनियर फॉर्म, या फिर एरियल फॉर्म, या फिर आप कह सकते हैं वॉल्यूमेट्रिक फॉर्म। जो चेंज होगा इनमें दोस्तों, रेखीय चेंज हो, भली क्षेत्रीय चेंज हो, या आयतनिक स्तर पर चेंज हो, तो उसी चेंज को दिखाने के लिए आप विकृति का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप यदि लीनियर में देखें, एल लंबाई की कोई तार थी, आपने इसको खींचने के बाद में एल प्लस डेल्टा एल बना दिया, तो यदि आपको इसमें चेंज देखना होगा तो आप क्या करेंगे, डेल्टा एल डिवाइड बाई एल कर देंगे। तो यही दोस्तों क्या कहलाता है, ये आपकी स्ट्रेन कहलाती है। तो यहाँ पर आप क्लियर देख रहे हैं, यदि आप इसका मात्रक निकालेंगे तो इसका दोस्तों कोई भी मात्रक नहीं होता, क्योंकि ऊपर भी लंबाई है मीटर हो जाएगा, नीचे भी लंबाई है मीटर हो जाएगा, तो मीटर से मीटर कैंसिल, वन बचेगा। तो इसीलिए आप यहाँ पर कह सकते हैं जो स्ट्रेन है ये आपकी डायमेंशन लेस यूनिट है। तो यहाँ पर आप टिक करेंगे दोस्तों कौन से वाले में, क्योंकि आपका यहाँ पर नीचे तो एक आ गया इसकी जगह पर, और ऊपर आ गया था न्यूटन बट्टे मीटर का स्क्वायर, तो टोटल मिला के न्यूटन बट्टे मीटर का स्क्वायर ही बचेगा। तो यहाँ पर कह देंगे आप, यहाँ पर पहला वाला जो है ठीक दिया है, यानी कि पहला आपका दोस्तों राइट है। वैसे आप नेक्स्ट वाले को चेक करेंगे बिल्कुल ऐसे ही अप्लाई करते हुए, नेक्स्ट वाला आपको दिया सरफेस टेंशन। ये दोस्तों ये प्रॉपर्टी होती है सॉलिड डायनेमिक की, सॉलिड यानी ठोसों की गति की होती है, वहां पर पढ़ा होगा आपने।
यदि आप फ्लूइड डायनेमिक में जाएंगे तो वहां पर एक आता है आपका सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन कहने का मतलब है, मान लीजिए कोई लिक्विड की ड्रॉप है, मान लीजिए पानी की ही बूंद को यदि आप ले लें, तो यहाँ पर आप देखते हैं ये अंदर की ओर सरफेस पर टेंशन लगाते हैं, बल लगाते हैं। मान लीजिए एल लंबाई की कोई पृष्ठ आपने लिया है, सरफेस लिया है, तो यहाँ पर आप देखेंगे टी यहाँ पर टेंशन लगता है, और यदि टी बराबर निकालेंगे तो ये होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। यहाँ पर आप ध्यान देंगे फोर्स पर यूनिट लेंथ ही होता है टेंशन, यानी कि तनाव, आप इसको पृष्ठ तनाव कह देते हैं। तो पृष्ठ तनाव बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा, मात्रक, फोर्स का हो जाएगा न्यूटन, लंबाई का मीटर। तो ये भी आपको दिया है राइट। अब नेक्स्ट चेक कर लेंगे एनर्जी को। एनर्जी बेसिकली क्या होती है दोस्तों, एनर्जी को आप वर्क के तौर पर भी देखते हैं। एनर्जी का मात्रक जो मोस्टली कॉमन यूज होता है, वर्क का ही मात्रक यूज होता है सेम, जैसे कि आप देखते हैं जूल को। लेकिन यहाँ पर देखिए आपको चूंकि व्युत्पन्न दिया है, तो आप यहाँ पर ड्राइव्ड यूनिट को निकालेंगे, और इसके लिए आप जाएंगे यहाँ पर इसके पीछे, यानी कि वर्क का फॉर्मूला होता है, या फिर एनर्जी के लिए यदि आप निकालें फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, फोर्स इंटू होता है डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ से आप मात्रक को निकालेंगे, फोर्स का मात्रक क्या होगा दोस्तों, ड्राइव्ड यानी व्युत्पन्न जो होता है किलोग्राम गुणा मीटर बट्टे सेकेंड का स्क्वायर होता है, और गुणा डिस्टेंस का यहाँ पर हो जाएगा मीटर। तो यहाँ से निकलता है दोस्तों किलोग्राम गुणा मीटर का स्क्वायर बट्टे सेकेंड का स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर आपको दिया गया है किलोग्राम गुणा मीटर बटे सेकंड, जो कि गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी वाले में टिक कर देंगे, आपको सी वाला दोस्तों करेक्ट आंसर नहीं दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 नैनोमीटर इक्वल टू, यानी आपको बताना है 1 नैनोमीटर बराबर कितना मीटर होगा या फिर सेंटीमीटर होगा। यहाँ पर आप ध्यान देंगे दोस्तों, जो नैनोमीटर है, मिलीमीटर है, माइक्रोमीटर है, सेंटीमीटर है, किलोमीटर है, ये सारे के सारे डिस्टेंस की यूनिटें होती हैं। चूंकि छोटे मात्रक हैं, यानी कि दूरी के छोटे छोटे मात्रक हैं, तो इनका आपको पता होना चाहिए दोस्तों, आपस में कन्वर्जन आप कैसे करेंगे। आपको मालूम होना चाहिए 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर होता है, और वैसे ही यदि आप इससे नीचे जाएंगे तो 1 मीटर बराबर 10 की पावर 9 नैनोमीटर होता है। यानी यदि आप यहाँ से निकालेंगे तो 1 नैनोमीटर बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 10 की पावर माइनस 9 मीटर हो जाएगा। यदि आप इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो 10 की पावर माइनस 9 गुणा मीटर को आप सेंटीमीटर में करेंगे तो 100 सेंटीमीटर कर देंगे, तो यहाँ से 2 जीरो कम हो जाएंगे, तो आएगा दोस्तों ये आपका 10 की पावर माइनस 7 नैनो मीटर। ऑप्शन नंबर आपको दिखता है सी वाला, तो आप सी वाले में टिक कर देंगे। वैसे ही देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपको, अ माइक्रोन इज रिलेटेड टू सेंटीमीटर, यानी कि माइक्रोन को आपको बताना है सेंटीमीटर में। यहाँ पर आपने देखा नैनोमीटर, अब आप देखेंगे बिल्कुल यही है, यहाँ पर आपको बताना माइक्रोन या फिर माइक्रोमीटर भी आप इसको कहते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, माइक्रोमीटर को आप म्यू एम से दिखाते हैं, और यहाँ पर आप ध्यान देंगे ये सारी यूनिट तो आपको याद रखनी ही है। यहाँ पर चूंकि माइक्रोमीटर भी दूरी का ही मात्रक होता है, तो इसीलिए आप यहाँ पर 1 मीटर को कन्वर्ट कर सकते हैं 10 की पावर 6 माइक्रोमीटर में, यानी कि 1 माइक्रोमीटर बराबर कितना हो जाएगा, 10 की पावर माइनस 6 मीटर हो जाएगा। और यदि आप इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो यहाँ पर आप क्या कर देंगे दोस्तों, मीटर को काट के इंटू 100 सेंटीमीटर कर देंगे, और 10 की पावर माइनस 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहां पर आप टिक कर देंगे 10 की पावर माइनस 4, ऑप्शन नंबर आपको डी वाला दिखता है तो आप डी वाले में टिक करेंगे। और यहां पर आपको ध्यान देना है दोस्तों, ध्यान आपको हमेशा देना है कि आपको सेंटीमीटर में बताना है या फिर मीटर में बताना है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का उपयुक्त मात्रक होगा, यानी आपसे बताना है, पूछा गया है अ सुटेबल यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यहाँ पर आप पहले तो निकाल लेंगे फॉर्मूले के माध्यम से ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या होता है। आपको मालूम होगा दोस्तों, न्यूटन ने एक फोर्स दिया था, यदि आप दो पिंडों को ले लें, मान लीजिए यहाँ पर दो पिंड हैं, एक बड़ा है एक छोटा है, तो यहाँ पर दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स कार्य करता है वो एफ जी बराबर होता है जी एम एम अपॉन आर का स्क्वायर, जहाँ पर आर बीच की दूरी है। अब यहाँ पर देखिए
यदि आप यहाँ से जी को निकालें तो जी बराबर होता है एफ एफ जी इंटू आर का स्क्वायर डिवाइड बाई डबल एम, जहाँ पर जी ही दोस्तों क्या कहलाता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, या फिर आप इसको गुरुत्वाकर्षण नियतांक कह लेते हैं, या यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी आप इसको कहते हैं। तो यहाँ से यदि आप मात्रक निकालेंगे तो देखिए बल का मात्रक होता है आपको मालूम है न्यूटन गुणा दूरी, चूंकि आपका आर डिस्टेंस से है, दूरी है, तो इसका मात्रक मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। दोनों का ही दोस्तों एसआई पद्धति में हम देख रहे हैं, चूंकि किलोग्राम होता है किलोग्राम गुणा किलोग्राम, किलोग्राम का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखते हैं कौन सा दिया है आपको, ऑप्शन नंबर आपको दिया न्यूटन गुणा मीटर का स्क्वायर बटे किलोग्राम का स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी वाला दिया है, तो सी वाले में आप टिक कर देंगे। और आपको मालूम है यदि आप इसको ऊपर लाएंगे तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं किलोग्राम की घात माइनस दो, तो दोनों एक ही बात है, आप चाहे ऐसे लिखें या फिर आप इसको हटा के ऐसे लिख लें। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया है कोणीय त्वरण का एसआई मात्रक होगा, यानी आपसे पूछा गया है द यूनिट ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन इन एसआई सिस्टम, एंगुलर एक्सेलरेशन, यानी आपको बताना है कोणीय त्वरण। यहाँ पर आपने देखा होगा दो प्रकार की मोशन है, आपको बताते हैं। एक ले लेंगे आप लीनियर मोशन को, मान लीजिए वी वेलोसिटी के साथ में कोई पिंड यहाँ पर गति कर रहा है तो डी डिस्टेंस कवर करता है, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं लीनियर मोशन की, और एक तरफ बात कर लेते हैं रोटेशनल मोशन, यानी कि जहाँ पर किसी केंद्र के चारों ओर कोई पिंड चक्कर लगा रहा है वी वेग के साथ में और थीटा एंगल यहाँ पर बनाता है, मान लीजिए एस चाप पे, तो यहां पे आप इसको कहते हैं रोटेशनल मोशन, या फिर आप इसको कह लें दोस्तों घूर्णन गति या फिर वृत्ति गति। अब यहां पे देखिए लीनियर मोशन में आपने देखा होगा रेखीय गति में क्या होता है, रेखीय गति में होता है दोस्तों डी बराबर, यानी कि दूरी बराबर होता है वेग गुणा टाइम, किसी टाइम पर यदि आप देखें तो यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर दोस्तों आप इसको थीटा देखते हैं जो बीच में कोण बनता है जितना तय किया यहाँ पर चारों ओर, मान लीजिए थीटा यहाँ पर तय किया दोस्तों, थीटा बराबर आपका होता है, यहाँ पर आपने रेखीय वेग लिया, यहाँ पर आप लेते हैं कोणीय वेग यानी एंगुलर वेलोसिटी लेते हैं ओमेगा इंटू टाइम टी। तो यहाँ से आप सारी की सारी इक्वेशन भी कन्वर्ट कर सकते हैं जो कि गति की इक्वेशन आपने देखी होंगी, जैसे आप देखते हैं वी फाइनल इक्वल टू वी इनिशियल प्लस ए टी होता है, तो वैसे ही आप यहां से निकालेंगे तो यहां पर ओमेगा फाइनल इक्वल टू ओमेगा इनिशियल, या फिर आप इसको जीरो भी बना सकते हैं इनिशियल, और प्लस ए की जगह पर दोस्तों यहां पर चूंकि एक्सेलरेशन है लीनियर में तो यहां पर कोणीय जो वेग त्वरण होता है वो आपका एंगुलर एक्सेलरेशन को आप अल्फा से दिखाते हैं अल्फा, और यहां पर टी आ जाता है। तो ऐसे आप सारी इक्वेशनों को भी कन्वर्ट कर सकते हैं। बेसिकली हम बात कर रहे हैं दोनों में क्या अंतर है, तो दोनों में जो अंतर है दोस्तों यहाँ पर आपने देखा जो रेखीय वेग और कोणीय वेग में यदि आप अंतर देखें तो जो कोणीय वेग होता है ओमेगा बराबर होता है आपका थीटा बट्टा टी, और थीटा को आप लिखते हैं एस बट्टे आर, मान लीजिए यहाँ पर थीटा आप निकालेंगे तो एस चाप पे, तो थीटा बराबर एस बट्टे आर होता है, आर केंद्र से लेके यहाँ तक की दूरी होती है, तो आप इसको यदि निकालें तो एस बट्टे आर हो जाएगा इंटू टी हो जाएगा। अब देखिए एस बट्टा टी क्या होता है दोस्तों, ये आपका वेग होता है वी और बट्टा आर, यानी यहाँ से आपने देखा ओमेगा बराबर वी बट्टे आर होता है, यानी कोणीय वेग बराबर रेखी वेग बट्टा आर होता है, तो ये रिलेशन आप याद रखेंगे। तो यहाँ से ही आप निकाल लेते हैं यदि आपको मात्रक निकालना है दोस्तों, यहाँ से आप कैसे निकालेंगे मात्रक को, आपने देखा कोणीय वेग बराबर होता है ओमेगा थीटा बट्टे टी, तो कोणीय त्वरण क्या हो जाएगा दोस्तों, कोणीय त्वरण अल्फा बराबर होता है, आप इसको अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फा बराबर ओमेगा बट्टे टी होगा, और ओमेगा का मान आपने देखा थीटा बट्टा टी होता है बट्टा टी, यानी कि थीटा बट्टे टी का स्क्वायर हो जाएगा, और थीटा का मात्रक क्या होता है दोस्तों, थीटा यानी कि कोण है, कोण को आप रेडियन में देखते हैं और बट्टा समय को आप सेकंड में देखते हैं, और स्क्वायर है तो आप स्क्वायर लगा देंगे, यानी रेडियन बट्टे सेकंड का स्क्वायर होता है, और यहाँ पर आपको दिखता है ऑप्शन नंबर सी वाला रेडियन बट्टे थीटा का स्क्वायर आपको दिखता है, तो आप यहां पर टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक किरण
जिसकी तरंग दैर्ध्य आपको दी है 0.00006 मीटर, ये बराबर होगी, यानी आपसे पूछा गया है वेवलेंथ ऑफ रे ऑफ लाइट इज, आपको वेवलेंथ दी है, वेवलेंथ यानी कि तरंग दैर्ध्य आपको दी है, आप इसको लैम्डा से दिखाते हैं दोस्तों, लैम्डा बराबर 0.00006 मीटर आपको दी है। आपको इसको कन्वर्ट करना है माइक्रोन में, यानी माइक्रोमीटर में कन्वर्ट करना है। आपने थोड़ी देर पहले देखा था एक मीटर में होते हैं 10^6 माइक्रोमीटर, तो यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे आप, जहाँ मीटर है वहाँ पर ये वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पर लैम्डा बराबर 0.00006 मीटर बराबर 0.00006 इंटू 10^6 माइक्रोमीटर, तो यहाँ पर गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा दोस्तों आपको, 6 स्थान आप दशमलव को आगे कर देंगे पीछे कर देंगे तो आपको मिलेगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि 60 मिलेगा, 60 माइक्रोमीटर। तो ये वेवलेंथ हो जाएगी माइक्रोमीटर में। तो ऑप्शन नंबर आपको देखता है सी बी वाला, तो बी वाले में टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई होती है, यानी आपसे पूछा गया है इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज अ यूनिट ऑफ, जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है आप इसको यदि शॉर्ट में लिखें तो आप ईवी करते हैं, और ईवी क्या देखा था दोस्तों, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को दिखाता है, यानी एक प्रकार से मान लीजिए कोई आवेश है, क्यों आवेश है दोस्तों कोई, तो इसके कारण जो भी यहाँ पर ऊर्जा व्यय होती है या फिर ऊर्जा दिखाई जाती है, आप उसको हमेशा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही दिखाते हैं। तो यहाँ पर आप कह देंगे ये ऊर्जा को दिखाता है, यानी कि एनर्जी को दिखाता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आप टिक कर देंगे डी वाले में, ऊर्जा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक लकड़ी का घनत्व CGS पद्धति में 0.5 ग्राम पर CC है, ये मान MKS पद्धति में क्या होगा, यानी आपसे पूछा गया है द डेंसिटी ऑफ वुड इज 0.5 ग्राम पर CC इन द CGS सिस्टम ऑफ यूनिट्स, द कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू इन MKS सिस्टम। आपको ध्यान देना है पहले दोस्तों, जो यूनिट का सिस्टम होता है, यानी जो इकाइयाँ होती हैं मुख्यतया यहाँ पे, SI होती है, एक आपकी CGS होती है, एक आपकी MKS होती है, और एक आपकी होती है दोस्तों FPS। यहाँ पर देखिए तो जो सर्वाधिक मान्य प्राप्त है, यानी जो इंटरनेशनली स्टैंडर्ड यूनिट होती है, आप इसका फुल फॉर्म देखेंगे तो आपका होता है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मान पद्धति है, मानक पद्धति है, तो इसका यहाँ पर मान सर्वाधिक वैल्यूएबल होता है। और यहाँ पर जो CGS पद्धति होती है, ये आपकी सेंटीमीटर ग्राम सेकंड वाली पद्धति होती है, MKS पद्धति मतलब मीटर किलोग्राम सेकंड होती है, और FPS मतलब होता है फुट, P फॉर पाउंड, S फॉर सेकंड। तो यहाँ पर मेनली 3-4 प्रकार की पद्धतियाँ होती हैं दोस्तों, जिनमें से अलग अलग कंट्रीज़ में यहाँ पर इस्तेमाल होती हैं ये अलग अलग पद्धतियाँ। तो यहाँ पर देखिए जो SI है, ये सर्वाधिक वैल्यूबल होती है, जो कि वर्ल्ड वाइड वैल्यूबल होती है। तो यहाँ पर हमें चेंज करना है CGS पद्धति को MKS पद्धति में। तो यहाँ पर देखिए CGS में आपको जो मान दिया है, डेंसिटी दी है, डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी यानी घनत्व इक्वल टू होता है दोस्तों मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ पर आपको मात्रक दिया है, मास का मात्रक यहाँ पर दिया है ग्राम, और वॉल्यूम आयतन का दिया है CC। तो आपको मालूम होना चाहिए जो डेंसिटी की यूनिट होती है MKS पद्धति में, वो क्या हो जाएगी दोस्तों, मास का हो जाएगा किलोग्राम, और वॉल्यूम का हो जाएगा घन मीटर। तो यहाँ पर देखिए घन मीटर को आपको सीसी को घन मीटर में चेंज करना है, तो इसके लिए आपको मालूम होना चाहिए 1 घन मीटर में होता है दोस्तों 10^6 CC, यानी 10^6 CC बराबर 1 घन मीटर होता है। और वैसे आपको मालूम होगा 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। तो यहाँ पर आप सिंपल कन्वर्ट कर लेंगे, अब इसके माध्यम से आपको डेंसिटी दी है 0.5 ग्राम पर CC, बराबर करेंगे 0.5 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 10^-3 ग्राम किलोग्राम,
और यहाँ पे सीसी को कन्वर्ट करने के लिए 1/10 की पावर 6, चूँकि बट्टे में है आपका, इतना दोस्तों क्या हो जाएगा घन मीटर। तो यहाँ पर जब आप हल करेंगे 0.5 × 10 की पावर -3 ऊपर है और 10 की पावर -6 नीचे है, तो ये -6 ऊपर आएंगे दोस्तों तो ये प्लस का 6 हो जाएगा और माइनस का 3 यानी धन का 3 बचेगा यहाँ पे, यानी 10 की पावर 3 किलोग्राम पर मीटर का क्यूब होगा। 10 की घात 3 को आप ओपन करेंगे, गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा 500 किलोग्राम बट्टे मीटर का क्यूब। यानी ऑप्शन नंबर आपको पहला वाला दिखता है 500 किलोग्राम बट्टे मीटर का क्यूब, यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। तो ऐसे आप यूनिट कन्वर्जन को आराम से निकाल सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ तक क्वेश्चनों को तैयार करें दोस्तों, बचे क्वेश्चनों को आपको लगातार बताते रहेंगे, और कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कर सकते हैं। ओके थैंक्स, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।